ऑलराइट गाइस, सो हम लोगों को अभी क्या करना है, एक ऐसा लॉजिक बनाना है जिससे कि हम लोग ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को अपने होम पेज पे डिस्प्ले करा सकें। अब ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए हम लोग को एक अच्छा लॉजिक लिखना पड़ेगा। और अच्छा लॉजिक लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखो मैं चाहता क्या हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइड है, ठीक है, इसमें चार प्रोडक्ट्स हैं, एक दो तीन चार। और मुझे सबसे पहले क्या देखना होगा कि कितनी स्लाइड्स हैं मेरी, यानी कि अगर मेरे पास 100 प्रोडक्ट हैं तब कितनी स्लाइड्स बनेंगी, अगर मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं तब मेरे पास कितनी स्लाइड्स बनेंगी। तो ये सारा दिमाग मुझे लगाना पड़ेगा, ये सारी प्लानिंग मुझे करनी पड़ेगी ये चीज़ करने से पहले। तो अभी यहाँ पर देखते हैं ये चीज़ किस तरह की जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स के अंदर, थोड़ा सा मैथमेटिक्स के अंदर डाइव करेंगे और देखेंगे कि लॉजिक किस तरह बनेगा। जो लॉजिक मैंने बनाया वो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर आ गया है लॉजिक प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए। तो क्या लॉजिक होगा हमारे प्रोडक्ट्स को होम पेज पे शो करने के लिए, तो चलो चलते हैं देखते हैं। देखो हमारे पास चार आइटम्स हैं एक स्लाइड में, मैंने जो आप लोग को होम पेज पे दिखाया वो एक स्लाइड है, ठीक है। हमारे पास चार आइटम्स हैं एक स्लाइड पे। उसके बाद क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पर एन आइटम्स हैं तब हमारे पास एन डिवाइडेड बाई 4+1, यानी कि ये क्या है, ये हमारा पाइथन का फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर है। तो अगर मैं इस एन बाई 4 की बात करूं तो ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, अगर मान लो ये 4 आ जाता है तो 4/4 हमारे पास 1 होगा, लेकिन 4/4 अगर ये 5/4 होगा तब भी 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको काटूंगा इस तरह, 4 1 जा 4, पॉइंट की मैं चिंता नहीं करूंगा, सीधे 1 आंसर लिख दूंगा। इसी तरह अगर 81/4 हो जाएगा तब क्या होगा, मैं काटूंगा इसको 4 से, 4 2 जा 8, फिर एक 0 लगाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 20 आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर ये 80 होता तब के 20 से जाता, लेकिन एक जो है उसको मैं रिमाइंडर को भूल जाऊंगा। तो बिना किसी पॉइंट के ये 20 पॉइंट समथिंग इसका कुछ आंसर आता, लेकिन अभी 20 आएगा। तो ये होता है फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर। मैं आशा करता हूँ ये समझ में आएगा आप लोगों को। उसके बाद एक स्लाइड और ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास होगी n फ्लोर डिवीजन 4+1 स्लाइड्स, अगर हमारे पास n डिविजिबल नहीं है 4 से। मैं ज़रा सा इसको क्लियर कर देता हूँ स्लाइड को। तो हमारे पास होगी n फ्लोर डिवीजन 4+1, लेकिन ऐसा तब होगा जब n डिविजिबल नहीं है 4 से। एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, मान लो मेरे पास 4 इमेजेस हैं, मुझे कितनी कितनी लगेंगी इमेजेस स्लाइड्स, 4 इमेजेस हैं तो एक स्लाइड में मेरा जो एक पेज है उसमें 4 मेरी इमेजेस आ जाएंगी, 1 2 3 4। तो मुझे सिर्फ एक ही स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो मैं सिर्फ एक स्लाइड में अपना काम चला सकता हूँ। तो ये फार्मूला उस केस में गलत हो जाएगा। ये फार्मूला सच तब होगा जब n डिविजिबल नहीं है 4 से, नॉट डिविजिबल बाय 4। तो अगर आप 5 6 या फिर 10 या फिर 12 तो नहीं, 12 तो 4 से जाता है, 13 या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, उस नंबर के लिए देखोगे तो आपको एक्जैक्टली इतनी स्लाइड्स लगेंगी। आप करके देख लो, n की वैल्यू डाल डाल के देख लो। लेकिन जहाँ n डिविजिबल हो जाता है 4 से, वहाँ आपको सिर्फ इतनी स्लाइड्स लगेंगी, ठीक है। अब हमको एक ऐसा स्मार्ट फार्मूला चाहिए जो कि एक वैल्यू दे दे हमको, एक वैल्यू दे दे हमको और हमें पता चल जाए, कोई भी एन की वैल्यू मैं डालूँ उसमें तो मुझे नंबर ऑफ स्लाइड्स आ जाए। तो वो फार्मूला मेरे पास ये होगा। तो आप लोगों को मैंने ये थोड़ा सा सोचा, अपना दिमाग लगाया, और अपना दिमाग लगा के मैंने ये फार्मूला बनाया है। अब ये सील क्या होता है मैं बताता हूँ, ये फार्मूला पूरा एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को, टेंशन मत लेना। n बाय 4 तो मेरा n डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे n बाय 4 यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, मुझे n डबल डिवाइडेड बाय 4 लिखना चाहिए था। तो ये गलती है यहाँ पर, तो मुझे ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर मुझे लगाना था यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है फिक्स कर लेना, n ये वाला ये है यहाँ पर, ये वाला। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है पावर पॉइंट बनाते समय। तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए n डिवाइडेड बाय 4 प्लस सील। सील क्या होता है हमारे पास, सील होता है हमारे पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी कि अगर मैं फंक्शन में डालूंगा 0.23 तब मेरे पास 1 आ जाएगा, या फिर मैं डालूंगा 0.73 तो मेरे पास 1 आ जाएगा। अगर मैं इसमें सील वाले फंक्शन के अंदर डालूंगा 2.11 तब मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। तो इससे बड़ा जो इंटीजर होता है वो मिल जाता है बेसिकली। तो सील फंक्शन हमारा ये करता है। तो आप डाल के देखो वैल्यू इस फॉर्मूले में, और ये फॉर्मूला धमाकेदार काम करेगा। क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को आप लोगों के लिए। तो मैंने बोर्ड को भी क्लियर कर दिया और आप लोगों के लिए फॉर्मूला भी ठीक कर दिया। तो एन का मुझे डिवीजन मुझे चाहिए फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर लगाकर 4 के साथ। उसके बाद मुझे सील फंक्शन चाहिए एन बाय 4 माइनस एन फ्लोर डिवीजन 4। तो ये फॉर्मूला जो है आपका काम करेगा यहाँ पर। लगा के देख लो वैल्यूज में, अगर मैं यहाँ पर 4 डालता हूँ तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 यहाँ पर डालूंगा तो 4/4 1 होता है, और 4/4 भी 1 होता है, 0 हो जाएगा ये पूरा मेरे पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर काम करने वाला है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्लाइड्स का लॉजिक कि भाई कितनी स्लाइड्स बनेंगी। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा ना, वो नंबर मुझे भेजना पड़ेगा टेम्पलेट के अंदर। तो इस नंबर को मैं टेम्पलेट के अंदर भेजूंगा तभी तो यार कुछ हो पाएगा, तभी तो मैं उस नंबर को यूज़ करूँगा फॉर लूप के अंदर डाल के। तो मैं आपको पाइथन लॉजिक बता देता हूँ आपको क्या होने वाला है।
हम जो पहला आइटम है उसको तो बाय डिफॉल्ट हम ऐसे प्रेजेंट कर देंगे, क्यों? क्योंकि उसमें एक्टिव वाला टैग लगा हुआ है, अगर आप लोग देखें वहाँ पर वो एक एक्टिव आइटम है, तो हमारी जो एक्टिव स्लाइड है उसको हम एज इट इज़ वहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे बाकी के आइटम्स के लिए। तो पहला आइटम हम मैनुअली रख देंगे अपनी टेम्पलेट में, और दूसरे आइटम से हम क्या करेंगे, आइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे और हम यूज़ करेंगे फॉर लूप को। ये सारी की सारी डिटेल्स डेटाबेस में से आएंगी, यहाँ पर भी डेटाबेस में से आएंगी डिटेल्स, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर डेटाबेस से नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी की सारी अगर 100 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, 10000 हैं, सबको हम फॉर लूप से ले लेंगे और वो सारी की सारी हम डिस्प्ले करा देंगे। इसके बाद हम यही काम करेंगे कैटेगरी वाइज। तो यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करो नीचे और मुझे बताओ कि आप लोगों को समझ में आ गया है लॉजिक, और मैं चाहता हूँ कि इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लिख लोगे इसको, इसको लिख लो कॉपी पे, मैं नहीं चाहता ये स्लाइड देना आप लोगों को, मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिख लो इसको, लिखोगे तो ईजी रहेगा। मैं ये टेक्स्ट जो है कॉपी करके codewithany.com पे डाल दूंगा, तो उसकी चिंता मत करना आप लोग, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूँगा कि थोड़ा सा एक ट्राई मारो, ठीक है, एक स्टार्ट करो कि यार मैं खुद ट्राई मार के देखता हूँ मुझसे होता है या नहीं होता है। डिस्प्ले कराने की कोशिश करो वेबसाइट में आकर सारी की सारी इमेजेस को। तो ये है हमारी यहाँ पर सारी की सारी इमेजेस, और आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इमेज लेकर आना है, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट का नाम लेकर आना है या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लेकर आना है, उसके बाद ऊपर कैटेगरी लेकर आनी है। यही काम हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए करेंगे यहाँ पर, और इससे क्या होगा, हमारा होम पेज बन जाएगा ई कॉमर्स वेबसाइट का। और यहाँ पर ऐड टू कार्ट का बटन या फिर कुछ इस तरह का कुछ भी बटन आप डाल सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो यार मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप लोग प्रैक्टिस करो इस चीज़ को, और अगर हो जाए तो नीचे कमेंट में दिखा देना मुझे, और अगर काम करते हैं आपका कोड तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, वरना वीडियोस को देखना आगे। एक और चीज़ यहाँ पर आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने ये जेंगो की प्लेलिस्ट को शेयर नहीं किया है तो शेयर मार दो, क्योंकि मैं जो है डेली नंबर ऑफ शेयर देख रहा हूँ इस वीडियो पे और इस सीरीज पे, इस कोर्स पे, और अगर आप लोगों ने इस पर शेयर मार दिए 500 से ज़्यादा, तब मैं बनाऊंगा वन वीडियो में सोशल नेटवर्किंग का वीडियो, एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का वीडियो आए, जल्दी से आप लोग जो है इसको जल्दी से आप लोग शेयर मार दो, बस शेयर मारना है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, इस वीडियो को लाइक करना मस्ट है। वीडियोज़ में लाइक जो है कम होते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज़ आगे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कोर्स आगे जा रहा है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया। मैं तो उतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ, आगे इस कोर्स को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, भले ही स्टूडेंट्स कम हो गए हों, लेकिन मैं तो यार पढ़ाता जा रहा हूँ। तो यार आप लोग लाइक ज़रूर करना, मुझे कॉमेंट में बताना कैसा चल रहा है कोर्स। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ करो ना करो इसको शेयर ज़रूर करना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।